ये क्या कैमरा चाहिए क्या है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक होंगे आपके दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एवन मजे में हूँ। के फन ता कोएस मिया मिया अंत इस्म ए गड़बड़ के था उंदी था को चाचा अंत इस्म इस्म इमाम बश्क। इमाम बश्क जी मेरे साथ चाचा इमाम बश्क मौजूद हैं, जो कि आज ऊँटों की हम कटिंग कर रहे हैं। तो मुझे आने में काफ़ी लेट हो गई, एक ऊँट की इन्होंने कटिंग की है लेकिन मुझे ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने समझा हुआ था कि इसके ऊपर डिज़ाइंस बनाएंगे। तो चाचा इमाम बश्क कहते हैं कि ऊँट के बालों में मट्टी बहुत ज़्यादा है, आपने इसे शैम्पू नहीं किया, अगर इसे शैम्पू करते तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनते। उस्ताद तेरा कोई हो अरबी जानता हो तो अरबी सुनवाया हमको। हाँ सुनाओ सुनाओ। हद गऊ दोनों सब गस चार माल हो हद सब मतलब मगस माफी मोद सब चार गस हद त्राप हुई वाज मुश्किल आ मुश्किल आ। हाँ त्राप जनो मिट्टी दिया दी है बेच जी 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 आना मालूम शो शो या मालूम इश मुश्किल शो शो या आरिफ माफी मालूम ज्यादा का जान हमने देखा मिट्टी बहुत है तो हमारे तो हाथ में छाला पड़ रहा है। अच्छा दुबई में क्या करते थे? दुबई में यही ऊंट का काम करता था रह गया तुम्हारा। अच्छा गोरे क्या बोलते हैं? गोरे उधर जो कैमल लेके जाते थे क्या कहते थे? हाँ कैमल लेके जाता था समुद्र में। समुद्र में अरबी लोग समुद्र को बोलते हैं बहर। बहर हाँ ठीक है। बहर में लेके जाता था ऊँट को, जो बैठने वाला ऊँट है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैमल। हाँ सब ऊँट को कैमल बोलते हैं। ठीक है। अते अरबी में बोलते हैं बहर। बहर ऊँट नहीं बोलते ऊँट, ये एक उर्दू का लफ्ज है। हाँ अरबी का लफ्ज है बहीर। बहीर मादे वाली डाची होती है तो उसको बोलते हैं, एक डाची को बोलते हैं नागा। ठीक है। ज्यादा ऊँट होता है तो उसको बोश बोलते हैं। बकरी को होश बोलते हैं एक बकरी। अच्छा वो अंग्रेज क्या बोलते हैं कि कैमल के ऊपर बैठने के कितने पैसे, वो कैसे हाँ। बोलते हैं वो बताओ। वो जो देखते थे ना हाँ कैमल आई कैमल आई कम मच मनी, वो बोलते थे बोले कितना पैसा लेते हैं। हाँ। हम बोलते थे बोली 10 दरहम। अच्छा 10 दरहम। फीचर हाँ हाँ 10 दरहम ये नहीं सभी फीचर सोरा सोरा अरबी में बोलते फोटो को। ठीक है पिक्चर। हाँ सोरा का बोली 10 दरहम लेता हूँ। अच्छा 10 दरहम से डाउन कैमल जन ऊपर बैठ दिया हूँ तो फिर 20 दरहम। अच्छा ज़्यादा वो ऊपर बैठती थी लड़की लोग। हाँ फिल्म पिक्चर अंग्रेजी में फिल्म को बोलते हैं। हाँ ठीक है वो तो तुम खूब जानता होएगा। फिर फिल्म शिल्म वो लोग बनाते थे, छोटा बच्चा भी बैठता था। लड़के लोग बहुत बैठने का शौकीन होते नाल। इसका डिजाइन क्यों नहीं बनाया? मिट्टी है इसमें, मिट्टी बहुत है, मिट्टी नहीं होती थे। ये हमारा अंग उंगली नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल छाला पड़ गया है। ये सफा होता था। हाँ। डिजाइन तेरे को बना के दिखाता था तो खुद हैरान होता था। इस पे फूल बनाते हो? हाँ फूल पत्ते ऐसे बिल्कुल। ये मिट्टी की वजह कने कैंची अंदर नहीं जा रहे, क्या करूँ मजबूरी। हाँ ये भी है, यही मजबूरी है। अच्छा, ये गर्मियों में इसकी कटिंग करना लाजमी होता है, इसके बाल काटना इसी मौसम में। ये एक महीने इसी रमजान करने बाद ये दूसरा वाल निकालेगा नवा। नए बाल आएंगे। ये वाल जो है ना, ये वाल जो हाँ। इसके गोम्पट के ऊपर खड़ा है ये सब गिर जाएगा। आप ये खुद में खुद गिर जाएगा, ये फिर नवा वाल निकालेगा। इसको गर्मी नहीं होती है ना? ये गर्मी होती है। ये बाल काट दें फिर तो नहीं होगी? ये फिर हवा शवा लगेगी, ये नवा बाल निकालेगा। इसके बाल ये आप लेके जाओगे काम आते हैं? हाँ हाँ हमारे काम आते थे, हम खुद भी समझो इसकी रस्सी निकालता था। रस्सी बना के फिर ये गाय की भैंस की
उसका रस्सा बनाता था, एक ढेरे के ऊपर इसका तंदे निकालता हूँ वो चरखे पे। हाँ हाँ, अभी भी हम लेके जाएगा वो पुराठे के अंदर रखी हुई है। एक बुढ़ा बंदा है मेरे जैसा चाचा है हमारा, हाँ। दूसरा वो बोला जब ऊँट कवाल किधर ही काटे मेरे के लिए लेके आवे, वो अपना गाय का रस्सा बनाता है। ये जो इसके बालों हैं, बाल है, बालों नहीं, क्या है ये जो इसके बाल है, इनसे ये रस्सा बनाएंगे। मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है ना चाचा? हो थोड़ा चाचा कम सुनते हैं, चाचा हो इसके बालों से रस्सा मजबूत बनता है? बिल्कुल मजबूत। कह रहे हैं उनके वाले साहब की 150 साल से ऊपर उम्र है, और इन्होंने जो डाची रखी हुई है अपने वाले साहब को डाची का दूध पिलाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। और काफ़ी गपशप हो रही है, साथ में कटिंग भी हो रही है। देखने में तो बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे चाचा जी ने बताया कि उनके हाथों पे छाले पड़ गए हैं, तो मैं भी काफ़ी देर से थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन दर्द होता है वैसे। अच्छा जी, ये जो ऊँट के बाल थे ये चाचा जी इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये इन बालों के साथ रस्सा बनाए, बहुत है, बहुत है? हाँ। काफी हो गया है ना। एक बुढ़ा बंदा है उसको कहूंगा वो रस्सी बनाएगा अपने माल के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए। इधर बैठ जाए, इधर छाँव में आ जाए। समझ गया। वो जो दुकानें बनी हुई है, बस उसी दुकान में, उसके दुकान के सामने ये दुकान खड़ी है, मगरब की तरफ उसका दरवाजा है। हाँ। वो मेरे की है। अच्छा, गरीब की है। ठीक है, हमारा बेटा उधर बैठा होगा, उसको बोलेगा मेरे चाचा इमाम बाग हमारे को मिलाओ। ठीक है, हम इंशाल्लाह तेरे को उधर मिलूंगा। ठीक है। ऊंट मेरे ख्याल में प्यासा है ना, प्यास लगी है। इसका कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं बनाया इन्होंने, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे थोड़ा सा इसका डिज़ाइन अच्छा लगा है क्योंकि ये मैंने बनाया है, इसके ऊपर वाले बाल ये छोड़ दिए तो थोड़ा ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, इसको ऐसे रखें, ये कपड़ा हमारा है, इधर ऐसे रखो। इधर रखा, गर्मी दे भाई, ऊपर थोड़ा रखा इसलिए। अभी चलते हैं फिर आपको छोड़ते हैं। कोई परवाह नहीं है, तुम छोड़ो, पहले खाना खाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारा, दूसरी जगह में हमारा, इधर धूप है, इसको छांव में डालते हैं। अच्छा, हाँ चलो भाई उधर डालो। धूप आ गई है यहाँ पे यार, वो सामने चलो।